क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पिछले कुछ समय से वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल चेकअप के लिए अलग से ओपीडी व्यवस्था की गई थी ताकि उम्रदराज लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन कुछ दिनों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोली गई ओपीडी नहीं लग पा रही है, जिसके चलते उनमें रोष है। इन दिनों क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उपचार के लिए आने वाले उम्रदराज वरिष्ठ नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की माने तो जोनल अस्पताल में कुछ समय पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा अलग से ओपीडी की व्यवस्था की गई थी और उसमें सभी उम्रदराज वरिष्ठ नागरिक बिना किसी परेशानी के उपचार करवा रहे थे, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से ओपीडी नहीं लग पा रही है और वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में काफी इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिकों में खासा रोष है। वरिष्ठ नागरिकों ने हॉस्पिटल प्रशासन व सरकार से इस दिशा में कारगर कदम उठाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोबारा से ओपीडी को शुरू करवाने की मांग की है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और मैं चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग कमरा होना चाहिए और अलग डॉक्टर होना चाहिए ताकि सीनियर सिटीजन को तकलीफ ना हो। सीनियर सिटीजन का अभी तक नंबर नहीं आया और हमारे सामने कई कोई स्टाफ के कोई इनके जानने वाले कोई बाजार वाले कोई ज्यादा सूट वाले आदमी कोई जा रहे ज्यादा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग ही डॉक्टर बिठाया जाए और ताकि भाई हमें सुविधा मिले। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के MS डॉक्टर TC महंत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का आधा स्टाफ छुट्टी पर होने के चलते फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की ओपीडी को सस्पेंड किया गया है और जैसे ही डॉक्टर दोबारा ज्वाइन करते हैं वैसे ही दोबारा ओपीडी को बहाल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वरिष्ठ नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जैसे हमारे नॉलेज में है यह कि जो सीनियर सिटीजन के लिए ओपीडी है कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड किया हुआ हमने, क्योंकि आजकल जो मेडिकल कॉलेज का आधा स्टाफ छुट्टी पे और अस्पताल में रश भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुल्लू से बाकी से रेफरल बहुत आ रहा, तो जैसे ही ये डॉक्टर जो है हमारे मेडिकल कॉलेज वाले ज्वाइन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस सुविधा को भी बहाल किया जाए। तो अभी तो कोई ऐसी तारीख नहीं बता पाएंगे, जैसे स्टाफ आएगा कि हम देखेंगे MCI की इंस्पेक्शन और उसके बाद लोगों को जो सीनियर सिटीजन और बाकी को इसकी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।